Oh my God, Idik. I've never seen it up so close. Bye, Sky. Sky, bye. Going down to play. ये उसमें अंदर फुटबॉल खेलने जा रही है. चलो. Bye bye. Sky तो मतलब देखती भी नहीं अपने को पलट. चली गई. एक अच्छी बात ये कि जब बच्चे नीचे खेलते हैं ना तो हमारे घर से नीचे क्लियरली दिखता है, गार्डन में क्लियरली दिखता है. ये जो पूरा पार्ट क्लियरली दिखता है, सारे बच्चे आते हैं. और बच्चों का टाइमिंग एकदम साफ साफ है, 5:30 से 6:30 रहेंगे वो लोग. और सब लोग की नैनी आती है, सब लोग खेलते हैं. अच्छा हम लोग को थोड़ा इजी होता है ना, तो 6:37. हाँ अभी सनसेट लेट होता है, 6:20 जाके बैठ जाएगी गाड़ी पे. वरना ये टाइम तक तो भाई साहब अंधेरा होता है. और ब्लॉग इसलिए लेट शुरू हुआ बिकॉज मैं इसके पहले ब्लॉग एडिट कर रहा था और वो बेड में एकदम चेक करता ठीक है कि नहीं. एंड देन शैनेस वाज लाइक चेकिंग ऑन इंटरनेट. एक साल के बाद मुझे एक साल डंबल अंदर नहीं रखना है. दैट्स अ हाउस डंबल, यूज इट टू वर्क आउट. ऐसा मत कर शैनेस, अभी भी भड़की हुई है यार. मैं इतना अच्छा पति हूं. जो तू बोल, तेरी बीवी बहुत अच्छी है कि तेरे को कुछ बोला नहीं कि जा अभी के जब भी लेके आया कुछ भी. 5 मिनट के बाद तेरे पास खुद हंसी हुई. रात के 3:30 मुझे कहां बेड लेके आया था. मुझे पता है मैं पागल आदमी से शादी किया है, तू हंस रही थी तेरे साथ. गाली दी रही के मन में. टेकिंग द गुड एंड द बैड टुगेदर. और यहां पर नीचे मैं स्काई खेल रही है और एक बच्ची आ गई है स्काई के सिमिलर एज की. स्काई को इधर झूला बार बार नीचे आना पसंद है. सब बच्चे यहाँ मिट्टी में खेल रहे हैं, उसको मिट्टी में आना नहीं पसंद है. अपने अपने मजे हैं. And is scared, I'll tell you. Why she is scared? ये देखो मुझे नहीं पता, आपको दिख रहा है कि नहीं. बट यहाँ पर है ना, दिख रहा आपको ये काइट्स बैठा हुआ है. और ये क्यों बैठा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सिटिंग. मैं अचानक रूम में आया, अच्छी शैनिस आई. शैनिस जोर से चिल्लाई बोलती है यहाँ पर एक काइट बैठा हुआ है. इज इट रनिंग नाउ? बर्ड्स रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं बिकॉज़ वो मरा था. एनिमल रेस्क्यू टीम को बुला रही है शैनिस की. बोलती है खोल मत. मैं बोला मैं खोल के बोलूँ नहीं खोल. बहुत बड़ा है यार काइट. एक्चुअली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसकी जो चोच है ना, शायद हो सकता है हमारे डिवाइडर में फंस गई, वो जो स्लाइडर रहता है, या फिर ही इज अबाउट टू डाई. ओ माय गॉड इदिक, आई हैव नेवर सीन इट अप सो क्लोज. ये देखो माय गॉड, इतने नज़दीक से फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं. नहीं कुछ फंसा नहीं है, इट्स नॉट स्टक. उसको लगा है शायद, कोई ठोक तो नहीं दिया उसने. तो अभी शैनेस ने बर्ड रेस्क्यू टीम को कॉल किया है. व्हाट दे सेड, दे सेड टू मैसेज एड्रेस, दे सेड पावे में कोई गाड़ी नहीं है, पर अभी किसी को कांटेक्ट करते हैं आसपास. तो बिकॉज़ अभी हम तो नहीं खोल सकते ना, बहुत बड़ा है वो. तो बेटर है कि जो प्रोफेशनल है वो ही है. बिकॉज़ आई थिंक ही इज हर्ट और शी इज हर्ट, व्हाटएवर. बर्ड हेल्पलाइन. अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर उसको लगा है, घाव हो गया उसका. बिकॉज हमारे पौवे में बहुत उड़ते रहते हैं. तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी नंबर शेयर कर रहे हैं और कोई उठा नहीं रहा है. तो कोई उठा रहा है तो बोलो इसको कॉल करो. हमने ऐसे कॉल कर करके अभी शैनस को एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नंबर मिला है. और कोई तो बोल रहे हैं कि खुद ही खिड़की खोल के चादर डाल के उठा लो. तो कोई आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, मुझे नहीं जगह बर्ड को लगाए तो मैं और उसको हर्ट कर दूँ और गलती से भी यू नो कुछ अलग गड़बड़ ना हो जाए. अपनी को नहीं चाहिए तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस कुछ ना कुछ हो ही. मेरा जो स्लाइडर है ना, स्लाइडर उसके बाहर ही बैठा है. मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा लग गया. बोलता है 26 फ्लोर पे नहीं रेस्क्यू कर सकते हैं, बाहर विंडो पे है तो क्या कर सकते हैं. मैंने कहा विंडो नहीं, स्लाइडर के उधर ही हेल्प तो करो. बाहर से चढ़ के नहीं आने का, बम्बू नहीं डालने का, खिड़की खोलने का. दे कैन जस्ट हेल्प. और पवई का एड्रेस ओके दे रहे पवई ही से. हां ओके, मैं वो राउंड ऑफिसर को भेजा है, वो आएंगे तो कॉल करेंगे. आपका नंबर दिया है उनको मैंने, वो आएंगे तो आपको कॉल आ जाएगा उनका. पर वो नक्की आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, कोई आएंगे. वो नहीं आएंगे तो कोई तो वॉलंटियर भेज देंगे. तो अभी शैनिस की बात हुई, किससे क्या बोला उसने? सो ही सेड दैट एक्चुअली ड्यूरिंग द सीजन काइट स्टार्ट गेटिंग वेरी वेरी डिहाइड्रेटेड. तो वो लोग एकदम लाइफलेस हो जाते हैं एंड देन दे नीड आवर्स एंड आवर्स ऑफ रेस्ट. सो ही इज लाइक ही विल कम, ही विल गेट इट होम एंड देन मे बी ही विल सी व्हाट ही हैज टू डू टू मेक इट ऑल राइट. ये क्या मूव था? देख देख. Yes, good. What are you doing today? So
these guys have come. Should I switch on the light or? Yeah, yeah, please do it. There you go. See? घर के अंदर ना आ जाए, घर के अंदर आएगा तो टेंशन नहीं है. वाओ, ओह माय गॉड, इट्स अ बिग वन. वाओ, see such a beautiful bird there is. Yeah, he's a juvenile. Juvenile. बस अगर आप इसके leg देखोगे ना, ये उतना strong नहीं है जितना strong इसे होना चाहिए. अच्छा. Is it hard? No, it won't hurt that bad. All right. Nice, na? Beautiful bird, na? Say hi to him. His name is Black Kite. Black Kite. Yeah, this is a common black kite. Okay. और ये feathers से आपको समझ आएगा, मतलब ये तो fully grown feathers नहीं है. These are very common in Pawai. Super common, super. Time तो लगेगा heal होने को उसे. अच्छा, तो उसका left feather damage है? नहीं है. अच्छा, कुछ damage नहीं है. It's like उसका feather का weight बहुत हो जाता है. So वो छोटा है ना अभी, ज़्यादा बड़ा नहीं. इनके जो nesting. अभी पंछी को rescue करने का time आया है बाहर coffee पीने के लिए. Sky कल Sky पूरा time सो रही थी, लेकिन आज Sky 5-5 मिनट का नैप लेके फुल टाइम जागी हुई, मतलब आज जल्द जल्दी सोएगी. और यहाँ पर सोरन भाजी कौन सा गाड़ी को नया एलॉय डालना चाहिए वो सजेशन ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ. चलो अच्छी बात है. और ऑडी के लिए भी बोल रहे हैं कौन कौन सा लेना चाहिए. जी वैगन के लिए. कभी ऑर्डर दे रहे हो? कल. क्या बात है. और एक चीज़ हमने नोटिस किया, जो कलर सोरन भाजी पहनते हैं कोइंसिडेंटली स्काई वही कलर पहनती है. Hey guys, it's the next morning और हम रात को बाहर जाने का प्लान था, मगर वो काइट के चक्कर में नहीं गए, बट हमारे हाथों से अच्छा पुण्य हो गया. This is the next morning और अभी देखो हमारी बेटी को देखो, इतने शांति से आजकल वो टीवी देखती है. पहले भी शांति से देखती थी, लेकिन अभी ऐसा बैठ जाती है कोने में विदाउट डिस्टर्बेंस, कोई नहीं चाहिए उसको. उसके भी मैं कान साफ करा रहा, तो इसके लिए दूर जाके बैठी है. पहले मेरी गोदी में बैठी थी, मेरा बाप है ना, आके कुछ ना कुछ. कुछ ही दिन बचे हैं खूबसूरत विंटर के, तो हम इंजॉय कर रहे हैं. अभी सब बोलेंगे द समर्स आर कमिंग, बिकॉज बहुत गर्मी होने वाली है. शाम को इस तरह प्लेजेंट वेदर में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आई थिंक ये जगह पे हवा आती जाती रहती है, तो यहाँ पर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एनीवेज शैनिस गई है वर्कआउट करने के लिए. अभी कुछ नया तरीके का, वो क्या, वो क्रॉस ट्रेनिंग होता ना, वो कर रही है. क्योंकि जब वो स्किपिंग कर रही थी तो डॉक्टर ने उसको मना किया, बोला कि थोड़ा तू वज़न कम कर फिर स्किपिंग कर. हालांकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट स्टिल अब एक बार डॉक्टर बोलते ना दिमाग में प्रॉब्लम हो जाती है. तो मैं यहाँ स्काई को फीड कर रहा हूँ, एंड उसके बाद आई एम गोना टेक हर आउट फॉर अ वॉक, थोड़ा बहुत खिलाऊंगा, एंड देन मेरी बारी आएगी. यार थोड़ा अपन चेस्ट मारने वाले हैं. बॉडी की एक्सरसाइज तो हो गई है, लेकिन अब हम नई किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं विद स्काई. नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो है टीचिंग एक्सरसाइज. तो शैनिस ने कोई तो एक कोर्स लिया है, कोई तो शार्क टैंक में बंदे लोग आए थे, पहले वो हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कौन लोग थे. तो उसके बार बार कोर्सेज देखती है और वही चीज़ अप्लाई करती है कि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा होता है, ये कैसा होता है. अभी हम लोग कोकोमेलन इंग्लिश में दिखा रहे थे, आज 5 दिन का 5 मिनट कोकोमेलन में फ्रेंच में प्ले करता हूँ, और वो इंजॉय करती है. लेकिन 10-15 मिनट बाद उसको बोर होने लगा, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी इंग्लिश समझता है, हिंदी समझता है, तो फ्रेंच आई तो उसके ब्रेन पर जो लोड आने लगा. कुछ लोड नहीं आता, लगा ब्रेन बहुत फ्रेश है. तो फिर वो बोर क्यों हो गई? शी जस्ट फेल्ट लाइक शी वांट्स टू सी समथिंग एल्स. अच्छा, ऐसा हो गया. चलो, क्योंकि और शैनिस को मतलब वो जो भी लोग फूफा फू बोल रहे थे उसको सब बोलते थे, ये बोल रहे, ये बोल रहे, मतलब वाह तेरे को सब झूले वो भूले वो सब समझता है अभी तक यार. मतलब आई समटाइम आई ऑल्सो विश कि मैंने यार एक दो लैंग्वेज थोड़ा बाहर की ओर सीख ली होती, स्पेशली अरेबिक, बिकॉज मैं कतर में छिसल देता हूँ. अरेबिक अगर आप मुझे पूछोगे ना कि हिंदी इंग्लिश के अलावा, मतलब इंडिया के लैंग्वेज के अलावा कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए, सबसे नंबर वन प्रेफरेंस मेरे रहेगा अरेबिक, दूसरा रहेगा फ्रेंच, तीसरा रहेगा स्पेनिश, और चौथा रहेगा मैंडरिन. अगर आप अपने बच्चों को सीखाना चाहते हैं, नॉट सो वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट यू गो टू दुबई, यू गो टू कतर, देख कैसे मैं बताऊं तेरे को, देख मैं, दैट्स इट, यू नो व्हेन यू गो टू दुबई, ओके कोई गोरा आके जब इंडिया में, व्हेन यू लर्न अरेबिक एंड और उर्दू फॉर दैट मैटर, उर्दू अरेबिक डिफरेंट है, वो ही मैंने बोला, अरेबिक और उर्दू फॉर दैट मैटर, आपका पूरा डिक्शन बहुत क्लियर होता है. वो डिक्शन विक्शन छोड़ो, मैंडरिन, बिकॉज अगर आपका बच्चा बन गया एकदम बिजनेस मैन, तो भैया अभी मैंडरिन भी आनी चाहिए ना. अगर स्काई ने कभी डिसाइड किया कि थोड़ा सा कनाडा में कुछ फ्यूचर करना है, तो वहां तो भाई इंग्लिश और फ्रेंच तो बोलते ही है. तो घूमते
पहले जब बाइक चलता था तो हॉर्न उससे परेशान था, और अभी जब व्लॉग करता हूँ तो मेरी बेटी चिल्लाती है। एनीवेज अभी हम घूमते घामते आए हैं नवी मुंबई, पाम बीच रोड तो आपको पता होगा न्यू बॉम्बे में तो उसके, और यहाँ मानोगे नहीं क्यों आए, हम आए हैं 7-Eleven 7:11 exactly, yes. No, 7-Eleven क्योंकि सोलन बाजी तो हमारा गला खराब हो जाएगा बेटा। आ गया 1 and only 7:11 चल 7 तो शायद 7 दिन होता, 11 क्यों होता है बताओ? 11 घंटे तो अब चालू हुई है नहीं मालूम कुछ बेटा, तेरे बाबा कितने वेले हैं, गुड़गांव के 7-Eleven आए, और यहाँ मैकडॉनल्ड्स भी चालू है लेकिन हम नहीं खा सकते राइट का शानस स्काई। और देखो अंदर आके स्काई तो शॉपिंग करने लगी है, पूरा वहाँ पे गई है और क्या क्या निकाला, प्राइस टैग निकाला था सबसे पहले, बोली वाह ये तो मेकअप सा लग रहा है जो मम्मी बुराना यूज करती है, ठीक है तो सही। एनीवेज गाइस ये वीडियो को एक समाप्त करते हैं। अच्छा ये 1 ही बजे, मुझे लगा 3 बज रहे हैं अभी, 1:15 ही हुए। आई वाज लाइक ओह